नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा पुलिस स्टेशन का मैं आपको नजारा दिखा रहा हूं और आज मुमरा पुलिस स्टेशन के जो कमान संभालने वाले हैं वो सेकंड सीनियर पीआई जो कलवा के थे कन्हैया थोराडे, आज मुमरा पुलिस स्टेशन का कमान उन्होंने संभाला है और उनसे हमने बातचीत की क्योंकि मुमरा के अंदर जो अभी हालात जो बन रहे दिन पे दिन, जैसे कि कल भी मैंने आपको दिखाया था न्यूज में और आज भी दिखा रहा हूं, जो हालात बन रहे हैं मुमरा के वो शायद आने वाले दिनों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इस तरीके से एक खुलेआम घूमना और सड़कों के ऊपर चलना जो है ये खतरे के घंटी से खाली नहीं है क्योंकि ये बीमारी जो है मैंने पहले ही कहा था कि किसी को पूछ के नहीं आती है, ना जात ना पात ना कोई धर्म, ये बीमारी किसी को पूछती नहीं है। तो अभी हमने कुछ जो कन्हैया कुमार सर हैं उनसे हमने कुछ बातचीत किया, बातचीत में मुमरा के आवाम के लिए क्या संदेश उन्होंने दिया है आप खुद उनके जवानी सुनिए कि क्या कह रहे हैं मुमरा कोसा के लोगों से और किस तरीके से मुमरा कोसा के लोगों को हैंडल करेंगे। देखना दिलचस्प नजारा जब रहेगा, जब इनकी टीम रोड पे उतरेगी सड़कों पे उतरेगी तब समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से मुमरा कोसा को हैंडल करेंगे। फिलहाल सलाम अलैकुम सर, पिछले दो दिन से, आज का दूसरा दिन है, आपने मुमरा पुलिस स्टेशन का चार्ज लिया है। बड़े ही भरोसे के साथ पुलिस आयुक्त जी विवेक फंसालकर साहब, पुलिस उपायुक्त सुभाष बुरजे साहब, इन सभी ने आपको यहाँ पर मुमरा की कमान देकर भेजा है। कर्फ्यू और लॉकडाउन के इस पीरियड में काफी शिकायतें मुमरा की जा रही है और इस पर काफी राजनीति भी हो रही है, तो ऐसे माहौल में मुमरा कौसा वासियों से क्या अपील करेंगे आप और किस तरीके के आपके दिशा निर्देश रहेंगे? मेरे सब मुमरा वासियों सलाम अलैकुम। गढ़ साहब अभी नहीं यहाँ पर नहीं है, सामने मुझे यहाँ लॉकडाउन पीरियड में बंदोबस्त के लिए भेजा है। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप ये मुश्किल वक्त में आप अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, रास्ते पे ना आए। मुश्किल वक्त है, अगर यहाँ आदमी अभी सख्त रहेंगे तो ही हम लोग कोरोना वायरस की जंग जीत सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। यहाँ राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक है, पुलिस आपके रक्षक है, पुलिस आपके लिए रास्ते पे है, आप घर पे रहिए। यही मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। और मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, ये भी है कि अगर कोई कानून नहीं मानता है, कानून का तो उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये करने के लिए पुलिस को मजबूर मत करो, शांत रहो, सुरक्षित रहो। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।